नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज चैनल में। भारत में कोक और पेप्सी को बहुत ही पसंद किया जाता है, तो चलिए उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिसको सुनकर आपको काफी सतर्क होने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कोक, पेप्सी और बिस्लरी पर करीब 72 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और करेक्शंस की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने के मामले में लगाया गया है। बिस्लरी पर 10.75 करोड़ रुपए, पेप्सिको इंडिया पर 8.7 करोड़ और कोका कोला बेवरेजेस पर 50.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसी के साथ आपको बता दें, पतंजलि पर भी 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। बाबा रामदेव की पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। एक अन्य कंपनी पर 85.9 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। CPCB ने कहा है कि इन सभी को 15 दिनों में जुर्माने की रकम भरनी होगी। प्लास्टिक कचरे के मामलों में एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR एक पॉलिसी पैमाना है, जिसके आधार पर प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट के डिस्पोजल की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये कितने दुख की बात है कि 9 महीने में बिस्लरी का कचरा 21,500 टन हो गया है। एक तरफ ये कंपनियां मुनाफा कमेटी हैं, लेकिन इन सबकी लापरवाही का अंजाम सभी को भुगतना पड़ता है। बिस्लरी का प्लास्टिक का कचरा करीब 21,500 टन रहा है। इस पर 5,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है। पेप्सी के पास 11,194 टन प्लास्टिक कचरा रहा है। कोका कोला के पास 4,417 टन प्लास्टिक कचरा रहा था। ये कचरा जनवरी से सितंबर 2020 के दौरान था। EPR का लक्ष्य 1,05,744 टन कचरे का था। आरोप लगने के बाद कोक और पेप्सिको ने कहा कि वो ऑर्डर का रिव्यू कर रहे हैं। कोक के प्रवक्ता ने कहा कि हमें CPCB की ओर से नोटिस मिला है, हम पूरे कंप्लायंस के साथ अपना ऑपरेशन चलाते हैं, इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कानूनों के तहत काम किया जाता है। हम इस ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित अथॉरिटी के साथ इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। पेप्सिको ने कहा कि हम प्लास्टिक कचरे के मामले में EPR के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं, हमें नोटिस मिला है। पेप्सिको और कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, जबकि बिस्लरी बोतल बंद पानी का कारोबार करती है। ये सभी प्लास्टिक कचरे के सेगमेंट में आते हैं, जिसमें पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। और इसी के साथ इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।